हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे इंडियन एयरफोर्स में आई भर्ती भर्ती कैसे होने वाली है भारतीय वायुसेना में भर्ती कैसे करना है आपको भर्ती होने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ये सुनहरा मौका है बारहवीं पास सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि महिला पुरुष हैं सभी कैंडिडेट के लिए ये है और अंतिम तिथि जो है बताई जा रही है कि चौदह जुलाई तक इस फॉर्म को आप आवेदन को भर सकते हैं ऑल इंडिया जॉब फ्रेंड्स और इसका फॉर्म फीस भी फ्री है फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स पूरी जानकारी लेंगे इस छोटे से धमाके कदर वीडियो के साथ और वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं इतनी डिटेल में जानकारी दूंगा ताकि कोई भी youtube चैनल आपको अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएगा चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इंडियन एयर फोर्स वैकेंसी 2020 के हिसाब से यह भर्ती निकाली गई है बहुत ही बंपर पोस्ट हैं दो पोस्ट और ये इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे और धमाकेदार पोस्ट होती है पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो फ्लाइंग ग्राउंड एनसीसी एंट्रीज ब्रांच नेम फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच टेक्निकल नॉन टेक्निकल एनसीसी स्पेशल ट्रेनिंग एंट्री सभी ट्रेनि इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं अप्लाई मोड क्या है ऑनलाइन मोड है और बारहवीं अगर पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो नीचे नीचे देखते हैं फ्रेंड्स ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया होगा नीचे आते हैं फ्रेंड्स ट्रेनिंग वेन्यू जो है एफ ए हैदराबाद हैदराबाद में आपका

और ये स्टार्ट भी शायद हो चुका है मैं आपको बताता हूँ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ना हाइट कितना मांगे गए फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए नथिंग कोई हाइट नहीं मांगेगी चेस्ट भी कोई नहीं मांगे रनिंग कोई नहीं मांगे तो क्वालिफिकेशन जो मांगेगी टेन प्लस टू मैथ्स होना चाहिए याद रखिएगा अगर आपके सिक्सटी परसेंट मार्क्स हैं मैथ्स में या अगर आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री में या एनी स्ट्रीम में अगर एग्रीगेट मार्क्स जो है सिक्सटी परसेंट है तो आप इस फॉर्म को आवेदन को भर सकते हो या बी बी टेक कोई भी डिग्री हो तो इस टेन प्लस टू लेवल को हो मैथ्स का जो टेन प्लस टू लेवल होना चाहिए कम से कम उसमें आप इस आवेदन को भर सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए टेन प्लस टू इंटरमीडिएट मांगा गया है साठ परसेंट जो है ना परसेंटेज मांगा गया है मैथ्स और जितने भी कोई भी सब्जेक्ट हैं तो मिनिमम फोर इयर्स ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एयोनोटिकल इंजीनियरिंग मैकेिकल कैंडिडेट्स आर मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट टेन प्लस टू लेवल एंड फोर इयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एयरनोटिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और इक्विल इन डिग्री ग्राउंड ड्यूटी के लिए बताया गया है डिग्री कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है इसमें सिक्सटी परसेंट मार्क्स अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिफ्टी परसेंट मार्क्स भी अवेलेबल है ऐसे स्पेशल एंट्री के लिए बताया गया सी सर्टिफिकेट मांगे अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच एल एलिजिबिलिटी ये सब मांगी गई ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड लिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सेल्फ अटेस्टेड के रूप में तो फोटो और सिग्नेचर मांगे गए हैं लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो या टेन प्लस टू और अदर डोमिशन सर्टिफिकेट मांगा गया है सर्टिफिकेट मांगा मांगे पैन कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है आधार कार्ड हो तो विद प्रूफ आईडी प्रूफ बहुत ही अच्छी बात होती है इस फॉर्म में आवेदन करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फ्रेंड तो ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो पंद्रह जून से स्टार्ट हो जाएगा आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का चौदह जुलाई तो देखिए फ्रेंड्स पंद्रह जून से स्टार्ट होगा चौदह जुलाई तक ये चलने वाला तो कम से कम अप्रोक्स वन मंथ का टाइम मिलता है अगर आप कोई भी इंडियन एयरफोर्स का इंडियन नेवी का या एक्स एंड वाई ग्रुप का कभी भी एग्जाम देते हो या उसमें क्या होता है कि एक मंथ का कम से कम जो है ना ड्यूरेशन होता है फॉर्म को भरने से जो है ना उसका डेट तक लास्ट डेट तक स्टार्टिंग से क्लोजिंग डेट तक लास्ट डेट पे एग्जाम फी डेट चौदह जुलाई दो एग्जाम डेट उन्नीस से बीस सेप्टेम्बर दो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा का सेप्टेम्बर तक तो बहुत ही अच्छी बात है नीचे आते हैं फ्रेंड्स इसका मैं जो है ना आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स so डाउनलोड करने के बाद कैसा आपको देखने को मिलेगा जो है जो है 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 विजुअलिटी पीडीएफ की इस प्रकार से भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का जो है काज पर दिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन विल ओपन ऑन पंद्रह जून दो हजार एंड क्लोज ऑन चौदह जुलाई दो और वेबसाइट्स दे रखे हैं फ्रेंड्स आपको फ्लाइंग कि क्या कता ब्रांचेस कोर्ट नंबर के बारे में बताया गया इंश्योरेंस के बारे में बताया गया प्रवेजेस के बारे में बताया गया स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर के बारे में बताया गया सारी सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है टाइप ऑफ कमिशन क्या है पीसी फॉर मैं फॉर मैन और वुमन एज क्या है नोटिफिकेशन क्या कि किसके डिटेल में आया हुआ है नोटिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? क्या मांगेगा ट्रेनिंग क्या है ए का ऑफर क्या क्या ऑफर मांग रहा है क्या ऑफर करने के लिए

ये मिल जाएगा बस यही बताया जाएगा कि आप बस बाहर की चीजें को मत ध्यान दीजिएगा बाहर की कोई भी आ, आ, जो है ना संदिग्ध चीज़ों को मत ध्यान दीजिएगा जो कि आपको बताया जाएगा कि आपको एडमिशन करा दिया जाएगा या आपका ज्वाइनिंग लेटर करवा दीजिएगा आपका नौकरी पक्की करवा दी जाएगी ये आप गलत बात है जब तक एग्जाम ना होगा आपको एग्जाम के बाद ही आपको जो है ना वेबसाइट तय करता है कि आपका ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो यार जरूर जरूर कमेंट करके बताइए और ऐसे धमाकेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो जय हिंद वंदे मातरम धन्यवाद